हेलो माय क्यूट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल माय सेल्फ कॉर्नी। तो चलिए बिना देरी करते हुए माय स्वीट हार्ट की कहानी को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 10, फोर्सफुल किस। इधर पूजा सावी का हाथ कसकर पकड़ती बोली, यार ये तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा हॉट निकले। सावी अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, यार अपने इस सदमे में मेरा हाथ तोड़िए क्या, छोड़ मेरा हाथ। पूजा उसका हाथ छोड़ते हुए बोली, सॉरी। अब आगे कॉलेज कैंटीन में श्रेया की बात सुन शाइना उसे देखते बोली, यू नो व्हाट श्रेया, शाइना मैरा को उड़ते हुए परिंदे के पंख काटने बहुत अच्छे से आते हैं। शाइना की बात सुन श्रेया उसे घूरते बोली, क्या करने वाली है तू। शाइना विक्की की तरफ देखते हुए बड़ी एटीट्यूड से बोली, यू जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोल उसने अपनी शर्ट की कुछ बटन्स खोल दी, फिर अपने स्कर्ट को थोड़ा ऊपर कर विक्की की तरफ बड़ी अदा से बढ़ते हुए बोली, हे हैंडसम। उसको विक्की की तरफ इतनी अदा से बढ़ता देख सबकी नज़र उस पर टिक सी गई। श्रेया उसको विक्की की तरफ बढ़ता देख खुद से बोली, ये क्या करने वाली है। ऋषि शाइना को विक्की की तरफ बढ़ता देख विराज के कान में धीरे से बोला, ये तो गई। ऋषि की बात सुन विराज उसके तरफ अपना चेहरा कर कुछ बोलने को हुआ कि तभी उसकी नज़र समायरा की तरफ गई, जिसने अपने हाथों की मुट्ठी बड़ी कसकर बंद कर रखी थी। विराज उसकी बंद मुट्ठी को देख ऋषि से बोला, मुझे तो ऐसा लगता है कि शेर के कुछ करने से पहले ही शेर ने उस छोटे से खरगोश का शिकार कर लेगी। ऋषि कन्फ्यूजन से बोला, मतलब। विराज समायरा की तरफ देखते बोला, बस तू देखता जा। विराज की नज़र कहीं और देख ऋषि उसकी नज़र को फॉलो कर उसी दिशा में देखता है। जब उसकी नज़र उस दिशा में खड़ी समायरा पर गई और उसको आंख बबूला होता देख, तब कहीं जाकर उसे विराज की कहीं भी बात समझ में आई। वो एक नज़र समायरा की बंद मुट्ठी देख शाइना की तरफ मुड़ धीरे से बोला, भगवान ही बचाए इसे। इधर शाइना बड़ी अदा से चलते हुए विक्की के पास पहुंच उसे ऊपर से नीचे तक निहारते हुए बोली, रियली यू आर डैम हॉट। इतना कह वो उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन तभी बीच में ही शमारा उसके हाथों को रोक उसे घूरते बोली, अपने इस गंदी हाथों से विक्की को छूने का सोचने में मत, यू बिच। इतना बोल वो शाइना के हाथों को जोर से झटक देती है। उसके जोर से झटकने के कारण शाइना खुद को संभाल नहीं पाती और पीछे की ओर गिरने को होती है कि तभी पीछे से आकर सावी उसे पकड़ समायरा को घूरते हुए बोली, क्या आप पागल हो, ऐसे कौन किसी को धक्का देता है, अगर उसे लग जाती तो। और सबसे बड़ी बात, एक लड़की होकर किसी दूसरी लड़की से इस तरह बिहेव करने में आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। उसकी बात पर समायरा कुछ रिएक्ट कर पाती इससे पहले विक्की अपने एक फिंगर उसकी तरफ पॉइंट करके बोला, लिसन मिस बकबक, अपने इस छोटी से जुबान को लगाम दो, वरना इसे काटने में मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तभी पीछे से ऋषि विक्की का साथ देते बोला, और बोलो मत, हम तुम्हारे सीनियर्स हैं। सावी भी अकर कर बोली, मेरी जुबान काटने वाले आप होते कौन हैं, और रही बात सीनियर्स की, तो अगर आप लिमिट्स भूल सकते हैं तो हम भी अपनी लिमिट्स भूल सकते हैं। इन शॉर्ट, टिट फॉर टैट। सावी को ऐसे उल्टा जवाब देता देख विक्की का पारा चढ़ गया था। आज तक उससे किसी ने इस लहजे में बात नहीं की थी, जिस वजह से उसका गुस्सा सातवें आसमान में पहुंच चुका था। वह गुस्से में उसकी तरफ पर उसकी कुर्ती की कॉलर को कसकर पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, लगता है तुम में बहुत अकड़ है, और विक्रम सिंघाने को किसी का अकड़ तोड़ना बहुत अच्छे से आता है। विक्की की बात सुन सावी भी उसके टी शर्ट को कसकर पकड़ अपनी तरफ खींच उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, इसे अकड़ नहीं, आप जैसे घटिया इंसानों को उनकी औकात दिखाना कहते हैं मिस्टर बदतमीज। उसके मुंह से अपने लिए बदतमीज शब्द सुन विक्की उसे अपनी नीली आंखों से घूरते बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदतमीज कहने की। सावी भी उसे घूरते बोली, क्योंकि आप बदतमीज हो। उसकी बात पर विक्की उसे घूरते बोला, जब बदतमीज कह ही दिया है। फिर उसके होठों को देखते हुए बोला, तो बदतमीजी तो बनती है ना मैडम।
विकी की बात सावी को समझ में आती इससे पहले विकी उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। ये सीन देख वहां खड़े सब लोग हैरत भरी नजरों से उन दोनों को देखने लगते हैं। वहीं जब समायरा ने ये सीन देखा तो गुस्से में उसकी मुट्ठी बन गई। वो इनकी तरफ बढ़ती कि इससे पहले ऋषि ने उसका हाथ पकड़ लिया। ऋषि को अपना हाथ पकड़ता देख समायरा उसको अपनी लाल पड़ी आंखों से घूरती है। उसकी लाल आंखें देख ऋषि की पकड़ उस पर ढीली पड़ जाती है। ये महसूस हो समायरा आगे बढ़ने लगती है कि तभी ऋषि फिर उसका हाथ पकड़ डरते हुए बोला, देख सैम प्लीज कोई और नया सीन क्रिएट मत कर। समायरा उसे हैरानी से देखते हुए बोली, रियली ऋषि सीन मैं क्रिएट कर रही हूँ या ये दोनों? ऋषि उसे रिक्वेस्ट पर नजरों से देखते हुए बोला, देख प्लीज अभी तो शांत हो जा। समायरा उसे घूरने लगती है तो ऋषि फिर उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोला, प्लीज। उसकी रिक्वेस्ट सुन समायरा कुछ नहीं कहती, बस उसकी हाथों को छिड़क देती है। दूसरी ओर रुद्र के कैबिन में, रुद्र अपने कैबिन में बने बड़ी सी कांच की खिड़की के सामने खड़े हो सीक्रेट का कष्ट छोड़ते बोला, बस कल का इंतजार है स्वीटहार्ट। फिर अपनी आंखें बंद कर जानवी का चेहरा याद करते बोला, इसके बाद तुम मेरी बाहों में और तुम्हारे नर्म होठ मेरे कब्जे में। इतना बोल वो हंसते लगता है। इधर जानवी बेड पर बैठ अपने फोन में वीडियो गेम खेल रही थी कि तभी ईशा उसके हाथ से फोन छीनते हुए बोली, मैं तेरे से कुछ पूछ रही हूँ ना, उसका जवाब देने के बदले तो इस वीडियो गेम में घुसी पड़ी है। जानवी उसके फूले गालों को देख अपना कान पकड़ते बोली, अच्छा सॉरी, अब मैं पक्का अपनी मुंह का नाक सब खोल तेरी बात सुनूंगी। जानवी की बात सुन ईशा अपना सही हिलाते हुए बोली, ओके तो मैं ये बोल रही थी कि मैंने सावी को कॉल किया था, उसे तो कहा कि तू कब का निकल गई है, तो फिर तुझे मेरे घर पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगा, रोज तो तू 15 मिनट में पहुंच जाती है। ईशा की बात सुन उसे रुद्र की बदतमीजी याद आ गई। वो अपना मुंह बनाते हुए बोली, वो रास्ते में एक पागल कुत्ता मिल गया था। इसकी बात सुन ईशा हैरानी से बोली, क्या पागल कुत्ता? इसकी बात पर चांदी बोली, अरे असली का नहीं। ये सुन ईशा बोली, तो नकली कुत्ता भी होता है क्या? इसकी बात पर जानवी चिल्लाते बोली, अरे मेरी माँ, मेरा मतलब था रास्ते में एक बदतमीज इंसान मिल गया था। इतना बोल वो उसे शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी बात बता रहे थे। उसकी सारी राम कहानी सुन ईशा अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या उसने तुझे सबके सामने किस किया? इसकी बात पर जानवी अपना हंसा हिला रही है। ईशा उसके हाथ को पकड़ धीरे से बोली, मैनू लगता है उसे तेरे से पहली नजर का प्यार हो गया है। जानवी उसका हाथ छिड़ते हुए बोली, हैव यू गॉन मैड? जिस इंसान को किसी की लाइफ की कोई परवाह नहीं, उस इंसान को वो भी प्यार, इम्पॉसिबल। जानवी बेड से खड़े हो ईशा को घूरते हुए बोली, और मैं तुझे क्लियर कर दूँ, उसे प्यार नहीं बदतमीजी कहते हैं, और अगर वो मुझे फिर मिला ना तो उसे मैं इतना पीटूंगी कि वो चलने के लायक नहीं बचेगा। ईशा उसका हाथ पकड़ फिर से बेड पर बिठाते हुए बोली, अच्छा शांत हो जा मिठासे की रानी, जब वो मिलेगा ना तब तो उसे खूब पीटना, ओके? अब ये छोड़, ये बता कि शाम को हम कहाँ जाएंगे। जानवी थोड़ा शांत होते हुए बोली, वो तो सरप्राइज है जो शाम को ही रिवील होगा। अच्छा आप ये बता तू शाम को क्या पहनेगी। ईशा कुछ सोचते बोली, मैं सोच रही हूँ मैं वो नेवी ब्लू कलर की नीले वाली ड्रेस पहनूँ और साथ में तेरी गिफ्ट की भी खड़ी, कैसा लगेगा? इसकी बात पर जानवी बोली, मस्त। ईशा उसे देखते हुए बोली, और तू क्या पहनेगी? जानवी सोचते हुए बोली, मैं सोच रही हूँ स्काई कलर का कुर्ता। ईशा उसे अपनी आंखें दिखाते बोली, नो कुर्ता, तू भी फ्रॉक पहनेगी। जानवी उसकी आंखें देख भीगी बिल्ली बनते बोली, ओके मैं सावी की एक फ्रॉक पहन लूंगी, अब खुश? ईशा जीत पड़ी मुस्कान के साथ बोली, बहुत। इसके बाद पर जानवी हंसते बोली, अच्छा चल अब मैं चलती हूँ, शाम को मिलते हैं, बाय। ईशा भी उससे बाय बोल देती है। फिर जानवी ईशा के घर से बाहर निकल आती है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।